नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम बात करते हैं हार्ट्रोन जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, पहले तो जिनका ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ रहा है मुझे कमेंट करना है, अपनी मेल आईडी चेक करना है, ठीक है, और वेटिंग में किस जिले में आपका नाम है ये भी बताना है। बात करते हैं यहाँ पे एक साथी का, आज भी कॉमेंट आया, अभी अभी जो मैसेज आया है कि अगर हार्ट्रोन का 1 साल का जॉब है उसको बीच बीच में छोड़ना चाहे तो क्या छोड़ सकते हैं? देखिए, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको इसके लिए रिजाइन देना होगा। ठीक है, कोई कारण बताओ, जो भी आप रिजाइन कर, आपने अपनी तरफ से लिखना लेटर कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं इस कारण से इसको छोड़ रहा हूं, तो आप बीच में छोड़ सकते हो, यह ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही इसमें ऐसा रूल है कि आपको 1 महीने की सैलरी भरनी पड़ेगी, हार्ट्रोन में नहीं है वो, पॉलिसी में नहीं आता, आप देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, और हार्ट्रोन का जो एग्रीमेंट होता है वो 1 साल का होता है, उसके बाद ऑफिस अपने आप उसको आगे बढ़ाता है, आपको एफिडेविट देना होता है, और किसी में ऑफिस में नहीं देना होता, किसी में देना होता है। ठीक है, हर साल वो बढ़ता रहता है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है, यानी आपकी सर्विस है वो जुड़ती है, और 5% आपको वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलती है और LTC मिलता है। ये सब चीज़ें हार्ट्रोन में होती है, चाहे वो डाटा इंटरप्रेटर हो, जो भी पोस्ट हो हार्ट्रोन के माध्यम से, प्रोग्रामर, डिजाइनर, नेटवर्क, जो भी है, सब का यहाँ पे इंक्रीमेंट लगता है और एग्रीमेंट हर साल आगे बढ़ाया जाता है। LTC मिलता है 4 साल बाद, जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको TA मिलता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, और आप जो भी आपका और पेमेंट होती है, कंटिजेंसी बिल होता है, आप कहीं पैसा लगाते हैं वो भी आपके खाते में आ जाता है, सब कुछ सेफ है यहाँ पर। 10 मेडिकल है, 10 CLU है, और लड़कियाँ जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी यहाँ पे वो छुट्टियाँ होती है, जो मातृत्व जो भी अवकाश होता है वो मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये मत सोचो कि इसको 1 साल के बाद हटा देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ साथियों के टेलीग्राम देखता हूँ कि सर क्या 1 साल बाद यहाँ से निकाल देंगे। अगर आपको वो विभाग नहीं रखना चाहता तो आपकी ड्यूटी दूसरे विभाग में आ जाएगी और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। मान लीजिए आपने एक विभाग में 1 साल नौकरी की है, आप विभाग ने हटा दिया, वहाँ पे हार्ट्रोन भेज दिया, आप दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग आ गई, तो वहाँ पे आपको दूसरा साल चल पड़ेगा, वो इनके 2 साल हो जाएंगे, सर्विस काउंट होगी पीछे वाले विभाग की भी। कुछ समस्या हो, कुछ पूछना हो, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे रिजल्ट आए हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।